नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ एस्थिर कुमारी। मधेपुरा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मधेपुरा समाहरणालय मुख्य द्वार पर अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर एक्ट टू और उसके सहयोगी संगठनों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान घंटों तक समाहरणालय मुख्य द्वार बंद रहा और सड़क जाम रही। आंदोलनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार को मजदूर विरोधी बताते हुए उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जरूरत है, देश को बचाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की सरकार प्रथम फेज में जब यह प्रधानमंत्री बना तो देश में नोटबंदी और GST ला करके रोजगार खत्म कर दिया। फिर दूसरी बार जब यह सत्ता में आया तो आप देख रहे हैं कि कोरोना के समय में किस तरह से बेरोजगारी का आलम बढ़ा है। बेरोजगारी दिन दुनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ रहा है। लोग जो भी बाहर कमा खटा रहे थे सब वापस घर चला आया है। गांव में सब बेरोजगार होकर बैठा हुआ है। सबके साथ भुखमरी की स्थिति है। दूसरी बात कि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ा है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। हम लोगों का कहना आज के आंदोलन से कि महंगाई पर रोक लगाई जाए। 4 लेबर कोड भी ला करके जो मजदूरों के अधिकार को छीना गया है उस 4 लेबर कोड बिल को वापस लिया जाए। 3 कृषि काला कानून ला करके जो किसानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है उस 3 कृषि काला कानून को वापस लिया जाए। देश को कॉरपोरेट के हाथ जो बेचा जा रहा है, देश को जो गुलाम किया जा रहा है, हर चीज जो बेचा जा रहा है उसको सरकार बेचना बंद करे और लोगों को रोजगार दे, गरीबों के खाता में पैसा दे। कोरोना काल में जितने भी लोग मरे हैं, चाहे वो COVID-19 से मरे हों और चाहे अन्य बीमारी से मरे हों, उनको 4 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। तमाम गरीबों को 10 किलो मुफ्त अनाज 6 महीना तक मिलना चाहिए। लॉकडाउन भत्ता 7,500 रुपया प्रत्येक महीना गरीबों के खाता में जाना चाहिए। आज के आंदोलन का हम लोग का Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.